टोनी, स्पाइडरमैन को किसी ने मार दिया। मिस्टर स्टार्क, आपको इसी वक्त पुलिस स्टेशन आना होगा। इतना सारा खून। तो गाइस, फिर से आ चुके हैं हम लोग GTA 5 में, और आज है डेट 31 दिसंबर और कल होगा न्यू ईयर। तो आज मैं अवेंजर्स को अपने घर पे पार्टी देने वाला हूँ। वेल, उसके लिए सबसे पहले मुझे कॉल करके सबको बताना होगा कि न्यू ईयर की पार्टी मेरे घर पे हो रही है। तो ठीक है, मैंने कॉल तो सबको कर दिया है, अब बस मुझे पार्टी की तैयारी करना बाकी है। मैं उस काम पर जल्दी से लग जाता हूँ। लेटर दैट सेम इवनिंग। After the party. चलो यार, अब चलकर बाकी न्यू ईयर की पार्टी अपने अवेंजर्स बेस पर बनाते हैं। वहाँ पर बाकी लोग भी होंगे। आयरन मैन से ही पूछ लो वो चलेगा कि नहीं। अरे लगता है सर जी ने कुछ ज्यादा ही पी ली, इसलिए वो जा नहीं पाएंगे आज। इसलिए चलो हम लोग चलते हैं, वरना हम लोग भी लेट हो जाएंगे वहाँ पर। तो ठीक है, चलो आज हल्क पार्टी करेगा। आखिर हम लोग पहुँच ही गए। क्या मस्त सजावट करी है यार इन लोगों ने। तो चलो अब न्यू ईयर की पार्टी चालू करते हैं। Meanwhile, अरे यार मेरा सर इतना क्यों घूम रहा है? लग रहा मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली। वैसे स्पाइडी और बाकी लोग कहाँ गए? लगता है वो लोग पार्टी करने के लिए कहीं और गए हैं। मैं तो सही से चल भी नहीं पा रहा हूँ। वैसे टाइम क्या हुआ है? 3 बज गए। ये तो बहुत देर हो गई। अभी तक तो सबकी पार्टी खत्म हो चुकी होगी। मुझे भी अब जाकर सीधे सो जाना चाहिए। अरे ये किसकी कॉल है? फ्यूरी, ये मुझे कॉल क्यों कर रहा है? हाँ हेलो फ्यूरी, क्या हुआ? टोनी, स्पाइडरमैन को किसी ने मार दिया। क्या बकवास कर रहे हो? आज न्यू ईयर है, 1 अप्रैल नहीं है फ्यूरी, तो मजाक करना बंद करो। मैं मजाक नहीं कर रहा, स्पाइडी सच में मर गया। अच्छा तो तुम लोग कहाँ पर हो, जल्दी बताओ, मैं अभी आता हूँ। अवेंजर्स बेस पर। ठीक है फिर मैं तुरंत आता हूँ वहाँ पर। अबे यार मैं तो सोने जा रहा था, लेकिन निक फ्यूरी ने तो मेरी यहाँ पर नींद ही उड़ा दी। अब मुझे जल्दी से अवेंजर्स बेस पर जाना पड़ेगा। जार्विस, मेरी सबसे ज्यादा फास्ट चलने वाली कार बाहर निकालो। ये क्या, अब किसकी कॉल है? हेलो, हाँ कौन? क्या मेरी बात मिस्टर स्टार्क से हो रही है? हाँ उन्हीं से हो रही, बताओ क्या काम है? मिस्टर स्टार्क, आपको इसी वक्त पुलिस स्टेशन आना होगा। किस लिए? वो मैं आपको अभी नहीं बता सकता, मैंने आपको मोबाइल पर लोकेशन भेज दी है। ठीक है मैं आता हूँ, वैसे भी मैं बाहर ही जा रहा था। अब ये पुलिस को मुझसे क्या काम है? जार्विस, गाड़ी कहाँ है? अभी तक रेडी नहीं हुई क्या? चलो अब गाड़ी तो आ गई, अब जल्दी से चलते पहले पुलिस स्टेशन, फिर वहीं से चलेंगे अवेंजर्स बेस पर। और गाइस, अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तो लाइक का बटन जरूर दबा देना, बहुत मेहनत से इस वीडियो को मैंने बनाया है। तो ठीक है, फुल स्पीड में चलते हैं पुलिस स्टेशन। आखिरकार पहुंच ही गए, लगता है यही ऑफिसर ने मुझे कॉल करी थी। हाँ तो ऑफिसर जल्दी बताओ क्या काम था, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। हाँ तो मिस्टर स्टार्क, ये थोड़ी दुख की खबर है, तो हम लोग आपको सामने ही बताना चाहते थे कि स्पाइडरमैन को किसी ने मार दिया है। अबे यार ये तो मुझे पहले से ही मालूम है, इसमें क्या नया था? मैं तो वही जा रहा था जहाँ पर स्पाइडी को मारा गया है। अच्छा सॉरी, वैसे हम लोग भी वही जा रहे थे, तो साथ में चला जाए। ठीक है फिर जल्दी से बैठो मेरी गाड़ी में, मेरी गाड़ी तुम्हारी गाड़ी से ज्यादा फास्ट है। अरे वो तो सबको पता है। हाँ ठीक है, ज्यादा बकवास मत करो, हमें जल्दी से जल्दी कातिल का पता करना होगा, वरना हो सकता है वो बाकी एवेंजर्स को ही मारने का प्लान बनाने चालू कर दे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि उसने आखिर इतने सारे एवेंजर्स के बीच में स्पाइडी को मारा तो मारा कैसे, और किसी ने नोटिस भी नहीं करा। कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी लगता है ये, लेकिन जो भी हो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। चलो पहुंच गए यहाँ पर। अरे देखो टोनी आ गया। ओए कैप्टन, स्पाइडी कहाँ पर है? उसकी बॉडी 1st फ्लोर पर पड़ी है। इसका मतलब स्पाइडी सच में? सर पहले तो आप लोग अपनी जगह पर ही खड़े रहिए, मुझे आप लोगों से कुछ सवाल पूछने हैं। हाँ तो सबसे पहले ये बताइए कि आप लोगों ने पार्टी में कुछ अलग नोटिस करा था? कुछ अलग तो नहीं, बस लोकी और स्पाइडी किसी बात को लेकर बहस कर रहे थे। अच्छा तो लोकी तुम लोग किस बात पर बहस कर रहे थे, जरा बताओगे? मैं बताता हूँ। हाँ बताओ थॉर। हम लोग जब पार्टी में आए थे तब तो सब बढ़िया था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही ये आयरन मैन का चमचा हर जगह पहुँच जाता है मुंह उठा के। इससे तो सब इसीलिए जुड़े रहते ताकि सब लोग आयरन मैन की नजरों में अच्छे बन जाएं। लोकी तूने अभी मेरे बारे में क्या बोला? क्या? मैंने तो बस वही बोला जो सच था। सुन ले लोकी, मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड हैं, और मेरा तो एक बेस्ट फ्रेंड भी है जो कि तुम लोग की तरह नहीं है, उसने सरजी की वजह से मुझसे दोस्ती नहीं करी है। एक सेकंड मिस्टर स्टार्क, क्या आप स्पाइडी के इस बेस्ट फ्रेंड के बारे में कुछ जानते हो? नहीं, ये तो मैं खुद पहली बार सुन रहा हूँ कि स्पाइडी का अवेंजर्स के अलावा भी कोई फ्रेंड है। वैसे तो मुझे सारी बातें बता देता है, पता नहीं ये बात उसने मुझे क्यों नहीं बताई। अच्छा ठीक है, तो फिर थॉर आगे क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं, बस लोकी ने कहा कि। अच्छा तो कहाँ है वो फ्रेंड, जरा हमें भी मिलवाओ उससे। ठीक है फिर, वैसे ही मैं तुम लोग को आज मिलवाने ही वाला था, पता नहीं कहाँ पर रह गया वो, अभी कॉल करता हूँ उसे। स्पाइडी की कॉल है। हेलो। हाँ कहाँ पर हो तुम? यहाँ पर सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, जल्दी से यहाँ पर आओ। हाँ हाँ स्पाइडी, मैं बस रास्ते में ही हूँ, जल्दी पहुँच जाऊंगा। ठीक है फिर, पता नहीं कब आएगा ये। ओए लोकी, आ रहा है वो थोड़ी देर में। और इसके बाद पता नहीं क्यों वो 1st फ्लोर पर चला गया, और जब बहुत देर हो गई और वो नीचे नहीं आया तो हम लोग उसे बुलाने ऊपर गए और देखा कि उसकी बॉडी वहाँ पड़ी हुई थी। लोकी कहीं तुमने ही तो स्पाइडी को नहीं मारा, क्योंकि तुम उससे जलते थे। अरे मैं क्यों मारूंगा उसे, माना कि मैं उसे जलता था, लेकिन मैं इतना भी गिरा हुआ नहीं हूँ कि मैं उसे मार दूं। तो आखिर किसने करा होगा ये? एक सेकंड मुझे देखने दो, शायद मुझे कुछ मिल जाए। स्पाइडी 1st फ्लोर पर था ना, इतना सारा खून, लग रहा किसी ने यहाँ पर लड़ाई करी है। जार्विस इस खून के धब्बे को स्कैन करो और पता करो किसका खून है ये। क्या ये स्पाइडी का है? इतना सारा खून, आखिर कौन है इतना ताकतवर जो स्पाइडी को मार दे? क्या ये एवेंजर्स में से किसी ने करा या फिर किसी बाहरी ने? और आखिर कौन है ये दोस्त जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता?